सनमाइके के ऊपर लगा हुआ हीटेक्स यानी सल्यूशन, जिससे कि सनमाइका जोड़ा जाता है, अगर वो लगा हुआ रह जाए तो फर्नीचर देखने में बहुत ही गंदा लगता है। अगर आपके भी घर पर सनमाइके की कोई चीज़ है जिसके ऊपर इसी तरह से सल्यूशन लगा रह गया है, कारपेंटर साफ़ करके नहीं गया, तो आज मैं आपके साथ बहुत आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप आसानी से बिना मेहनत के, बिना जोर लगाए उसे साफ़ कर सकते हैं। जब भी कारपेंटर से हम काम करवाते हैं तब तो वो कह देते हैं कि हम इसे साफ़ करके जाएंगे, लेकिन बाद में साफ़ करके नहीं जाते और फर्नीचर देखने में गंदा लगता है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने लिया है तारपीन का तेल, यह आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। और एक मैंने साफ़ कपड़ा लिया है, तो कपड़े के ऊपर तारपीन का तेल लगाएंगे और फिर जहाँ पर भी हीटेक्स लगी है उसके ऊपर हम इसे थोड़ी देर के लिए लगा कर रब करेंगे, तो बिना मेहनत, बिना जोर लगाए ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। आपको सिर्फ़ ये एक चीज़ तारपीन का तेल लेकर आना है। अभी मैं आपको पहले दिखा दिया था कि कैसे इसके ऊपर सॉल्यूशन लगा हुआ था, इसे साफ़ करने के बाद भी अब मैं आपको दिखाऊंगी कि साफ़ करने के बाद ये कैसा लग रहा है। इस तरीके से आप एक बार फर्नीचर को साफ़ करके देखें, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
और ऐसे ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मोनिकास डीआईवी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।